हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस आसान चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्यू कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा यू के साथ आएगा। जैसे क्वीन, क्वारल, क्वाइट, ये क्वाइट और ये क्विट, क्विक, क्वालिटी और क्वेश्चन। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्यू कभी भी यू के बगैर नहीं आता, हमेशा क्यू जो है यू के साथ ही आता। तो यहाँ पर पहले हमारा रूल ये था कि क्यू कभी भी क्या आएगा, यू के साथ ही आएगा। आप चेक कीजिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर कोई रूल है तो वो टूटता भी है। तो ये सारे वर्ड के जो रूल मैं बताने वाला हूँ, ये 80% 90% काम करते हैं, 10% गलत भी होता है। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा भी यहाँ पर। तो ये क्या है, क्यू में हमेशा ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ शब्द होते हैं जैसे हम मेन शब्द में फुल लगाते हैं, जैसे हमारा फेथ है, फेथ के साथ आप फुल लगाओगे तो क्या होता है, इसमें फुल जो होता है वो डबल एल से सिंगल एल बन जाता है। जब फेथ अलग होगा और फुल अलग है तो ये फेथ फुल में एफ यू डबल एल आता है फुल। लेकिन जब हम उन्हें जोड़ देते हैं, दोनों शब्दों को एक साथ बना देते हैं, तो फेथ फुल हो जाता है। फेथ फुल में क्या होता है, एक एल जो है हमारा वो गायब हो जाता है, सिंगल एल के साथ हमारा फेथफुल बन जाता है। तो फेथ फुल, फुल तो ठीक है, पर जब हम फेथफुल लिखते हैं तो उसमें एक एल कम हो जाता है। इसी तरह से हार्मफुल है तो हार्मफुल, हार्मफुल में क्या हो जाएगा, एक एल कम हो जाएगा तो बन जाएगा हार्मफुल। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल में क्या होगा, इसमें भी एक एल कम हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा ट्रुथफुल। इसी तरह चीयरफुल, तो चीयरफुल, चीयरफुल में एक एल जो होता है वो कम हो जाता है, चीयरफुल। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा क्या था, इसमें लास्ट वाले वर्ड में से एक एल कम हुआ। ये वाले ऐसे वर्ड है जिनमें शुरुआत में दो एल हैं, शुरुआत के वर्ड में एक एल कम हो जाता है। इसमें लास्ट के वर्ड में फुल में से एक एल कम हो गया, इसमें जो बीच के शब्द होता है उसमें से एक एल खत्म हो जाता है। जैसे ये दोनों के अलग अलग मतलब है, इधर जो शब्द है उसका एक अलग मतलब है, उधर शब्दों का अलग मतलब है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे वेल का मतलब होता है अच्छा, कम का मतलब आना, लेकिन वेलकम का मतलब अलग होता है। तो यहां पर अब हम इन शब्दों को देख लेते हैं। जैसे वेलकम, तो वेल में डब्ल्यू ई डबल एल, वेल आता है सी ओ एम ई कम, लेकिन जब हम वेलकम लिखते हैं तो उसमें एक एल हमारा कम हो जाता है, वो हमारा वेलकम हो जाता है। इसी तरह स्किलफुल, स्किलफुल में भी हमारा एक एल कम हो जाता है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट होता है ये, इसमें भी एक एल खत्म होकर क्या बन जाता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोलते हैं इसको, ऑलमोस्ट ही है। ऑल रेडी, ऑल रेडी, ऑल का अलग होता है मतलब, रेडी का अलग मतलब होता है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो ऑलरेडी बन जाता है। इसी तरह से इसका एक एक्सेप्शन है वेल बीइंग, वेल बीइंग में जो डबल एल होता है वो एक एल कम नहीं होता है, वेल बीइंग, वेल बीइंग ही होता है, इसमें एक एल कम नहीं होता है। इसी तरह से एक और है, जैसे लेबल होता है, लेबल में हम सफिक्स ईडी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एल एक्स्ट्रा अपने आप आ जाता है, ये रूल है। जैसे लेबल हो गया, ट्रेवल हो गया, क्वेरल हो गया, लेबल हो गया, तो ये लेबल है और ये लेबल है, दोनों अलग अलग है। इसमें बी है तो ब आएगा, इसमें वी है तो व आएगा, ये लेबल है, ये लेबल है, ये व है, ये ब है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब लेबल में क्या होता है, जब हम लेबल को ईडी लगा के लेबल्ड बनाते हैं तो उसमें डबल एल हो जाता है, लेबल्ड। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं, जब आप लिखते हैं तो उन पे गौर कीजिए कि ये वाले रूल वहां पे फॉलो हो रहे हैं या नहीं। जैसे ट्रेवल, डी ट्रेवल्ड, अब जहां पे ईडी लगा होता है शब्दों के बाद वहां पे ड की आवाज निकलती है, लेबल, लेबल्ड, ट्रेवल और ईडी लग गया ट्रेवल्ड, क्वेरल, क्वेरल्ड, तो यहां पे क्या हुआ, एक डबल एल लग गया, लेबल, ईडी, लेबल्ड, तो यहां पे भी क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा डबल एल लग गया। पर ये जो है पैरेलल, जब हम पैरेलल लिखते हैं तब वहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में जब ईडी लगाते हैं तो वो पैरेलल ही बनता है, उसमें डबल एल ही रहता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको पता होगा क्या होता है, इसे हिंदी में अपवाद कहते हैं। अपवाद का मतलब रूल के जो भी रूल बने होते हैं उसमें कुछ खामियां भी होती है, तो कुछ रूल्स में खामियां हैं, पर ये बहुत ही कम शब्दों में ऐसा होता है कि इनकी खामियां हैं। इसी की तरह से एक रूल हमारा रह गया वाई का। अब जैसे कुछ शब्द को हम मिलाते हैं, जैसे ड्यूटी, ड्यूटीफुल, तो ड्यूटीफुल में क्या होता है, जो वाई होता है वो हमारा कन्वर्ट होके आई बन जाता है, जैसे ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में भी वाई जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, आई बन जाता है, ब्यूटीफुल। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये स्पेलिंग पर बेस्ड वीडियो थी, ये पहली वीडियो है स्पेलिंग को लेके। इससे पहले साइलेंट लेटर मैंने बताए हैं, जो
कहां पर कौन सा लेटर साइलेंट होता है इसके बारे में, तो साइलेंट लेटर की वीडियो अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, यह वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ये आपको हार्मफुल लगी या फेथफुल लगी, ये मुझे जरूर बताइए, ये आपको हार्मफुल लगी या फेथफुल लगी। इस वीडियो में मैंने मतलब नहीं बताए हैं किसी भी शब्दों के, क्योंकि अब मतलब मैं इन शब्दों के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इंग्लिश में कराऊंगा आपको, हिंदी की हेल्प कम से कम लूंगा ताकि जो आपकी इंग्लिश है थोड़ी इंप्रूव हो सके। और बेसिक की सभी वीडियोस मैं बना चुका हूं, वो वीडियोस आप पहले जाके देख लीजिए यदि आपको इंग्लिश, आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक को मैंने बिल्कुल एबीसी से शुरू किया है, एबीसी से लिखना पढ़ना से शुरू किया है। तो यदि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मेरा लक्ष्य इंग्लिश में सुधार लाना है उन लोगों के लिए जो बेसिक लर्नर है, जो इंग्लिश से जूझ रहे हैं और इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं बहुत बेसिक लेवल पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।